हेलो गाइस, वेलकम टू कनक यादव यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी बनाएंगे जो कि बच्चों से लेकर बड़ों को सभी को पसंद आती है और ये काफ़ी हेल्दी होती है। और सर्दियों या गर्मियों में आप किसी भी मौसम में इसे बनाकर इसका आनंद ले सकते हैं। यह केवल 5 से 7 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो आज हम बनाएंगे मूंग और मसूर दाल की बहुत ही टेस्टी सब्जी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी सामग्री सेट कर लेंगे। तो हमें सबसे पहले चाहिए लहसुन, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, साथ ही साथ मूंग और मसूर की दाल को हम पानी में भिगोकर रख देंगे, यानी सोख होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद हम अपनी गैस फ्लेम को ऑन करेंगे और मीडियम टू हाई पर सेट कर लेंगे। मीडियम टू हाई पर सेट कर लेने के बाद अब हम उसके ऊपर अपना प्रेशर कुकर रख देंगे और प्रेशर कुकर को 2 से 3 मिनट के लिए हीट करेंगे। जब प्रेशर कुकर हीट हो जाएगा तो उसके बाद हम उसमें जो है सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। और मस्टर्ड ऑयल जो है खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। आप चाहे तो इसकी जगह देसी बटर का यानी देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप रिफाइंड या किसी और तेल से बनाना चाहते हैं तो सफोला या फिर जो भी आप तेल यूज़ करना चाहते हैं उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन मस्टर्ड ऑयल जो है हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो हमारा चैनल का नाम है पौष्टिक आहार, तो हम जो है पौष्टिक चीज़ों का ही इस्तेमाल अधिक करेंगे। तो अब हमारा जो है सरसों का तेल हमने ऐड कर दिया, उसे कुकर की सहायता से चारों तरफ फैला लेंगे। चारों तरफ फैला लेने के बाद अब हम उसके गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। जब हमारा तेल जो है हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम उसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स, हमने तकरीबन 1 छोटी चम्मच जो है ज़ीरा ऐड करा है। साथ ही साथ हम इसमें जो है आधी छोटी चम्मच हींग ऐड करेंगे, क्योंकि दाल क्या होता है काफ़ी बड़े लोगों को कई बार बाई कर जाते हैं, तो बाई बादी ना करें इसलिए हम इसमें हींग का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हम हींग ऐड कर देंगे। अब दोनों चीज़ों को 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। 2 से 3 मिनट पक जाने के बाद अब हम उसमें अपना कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे यानी कि गार्लिक, और उसे 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे, जब तक कि उसका कलर जो है सुनहरा ब्राउन यानी हल्का ब्राउन ना होने लग जाए। उसके बाद हम उसमें अपनी कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। कटी हुई प्याज ऐड करने के बाद अब हम उसे 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे। गैस जो नई प्याज होती है वह गलने में और पकने में जो है समय लेती है, इसलिए हम इसका समय का ध्यान रखेंगे और इसे जब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर जो है लाइट ब्राउन ना हो जाए। अगर आप इसको अच्छे से नहीं पकाएंगे तो जो यह है खाने में काफ़ी अजीब टेस्ट देगी और यह खाने में अलग से आपको पानी के ऊपर तैरती हुई भी दिखाई देगी। तो इससे बचने के लिए इसे अच्छी तरह से पकाते रहे। तो यह थी आज की हमारी छोटी सी टिप। जब तक हमारी प्याज पककर तैयार हो रही है जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी बाकी की वीडियोज़ भी देख सकते हैं। अब 4 से 5 मिनट पका लेने के बाद हमारी प्याज जो है अच्छे से पक चुकी है। अब हम टमाटर को पकाएंगे। तो हम इसमें अपने कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर जो है हम ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको भी 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे, जिससे कि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए और जो है सभी चीज़ें हमने ऐड की है सभी इंग्रेडिएंट आपस में एक दूसरे के साथ मैश करने पर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। टमाटर को 3 से 4 मिनट तक पका लेने के बाद आप अपने स्पून की सहायता से प्रेस करके देख सकते हैं और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। चार से पाँच मिनट तक लगातार पका लेने के बाद अब हम उसमें अपने मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि स्वाद अनुसार नमक। हमने 2.5 यानी कि 2.5 छोटी चम्मच जो है नमक ऐड किया है। हम 4 लोगों के लिए यह रेसिपी बना रहे हैं। अगर आप ज़्यादा के लिए बना रहे हैं तो आप अपने अनुसार नमक को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप 2 लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप भी सामग्री को कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक जो है सब्जियों को गलाने का काम करता है, तो इसको हम टमाटर के साथ ऐड कर देंगे। साथ ही साथ अब हम इसमें हल्की सी हल्दी ऐड करेंगे, यानी आधी छोटी चम्मच हमने हल्दी ऐड किया, क्योंकि जो ये है मूंग और मसूर की दाल होती है जो ये लाल और पीले रंग के होते हैं, तो इसमें ज़्यादा हल्दी ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये थी हमारी एक और टिप। अगर आप ज़्यादा हल्दी ऐड करेंगे तो आपकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पीली पीली देखने को मिलेगी, जो अच्छी नहीं लगेगी। तो अब हल्दी ऐड करने के बाद अब हम इसमें अपनी कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और हरी मिर्च ऐड करने के बाद उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट पकाएंगे। 2 से 3 मिनट तक पका लेने के बाद अब हम उसमें 1 छोटी चम्मच जो है धनिया पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसके इस प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास फ्रेश ग्रीन कोरिएंडर लीफ है तो आप उसे वॉश करके चॉप करके उसे भी ऐड कर सकते हैं। अब हम अपने मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पकने देंगे। आप देखेंगे मसाला जो है नीचे लगना शुरू हो चुका है, यानी कि इस समय पर हमारा मसाला बिल्कुल पककर तैयार है और उसने जो है ऑयल भी रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। अब इस समय पर हम अपनी वॉश की हुई और जो हमने सोख करके रखी हुई थी उस दाल को अच्छी तरह से उठाएंगे और पानी की सहायता से 2 से 3 बार वॉश कर लेने के बाद अब हम उसे ऐड कर देंगे बिना पानी के। तो अब हम ऐड करने के बाद उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम उसे अच्छी तरह से पका लेंगे, जिससे कि जो है मसाले का टेस्ट उसके अंदर आ जाए।
और साथ ही साथ मिक्स करते रहेंगे, नहीं तो हमारी दाल जो है नीचे लगकर जलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी चाट के रूप में खा सकते हैं, इसमें हल्का सा पानी ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो इसे अब किसी और पैन में निकल कर अलग से दोबारा ऑयल डालकर फ्राई भी कर सकते हैं। तो इससे आपके 2 से 3 रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो अब ये हमारी दाल जो है अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है पानी और आपको ऑयल देखना स्टार्ट हो चुका है। अब इस समय पर हम इसमें जो है पानी ऐड करेंगे। पानी हमने 3 गिलास ऐड किया है। आप चाहे तो पानी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन दाल जो है खाने में लिक्विड ही अच्छी लगती है। अगर आप थिक दाल बनाएंगे तो वह खाने में अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए हम इसमें जो है पानी का इस्तेमाल ज़्यादा ही करते हैं। तो हम इसमें 3 गिलास पानी ऐड कर रहे हैं। तो 3 गिलास पानी हमने पहले ऐड किया, जिसके कारण क्या है, दाल जो पककर तैयार होगी तो वह धीरे धीरे जो है सूख जाएगी, क्योंकि दाल जो होती है वह पानी को अपने अंदर सोख लेती है। जितना पानी सोखेगी उतनी वह फूलकर तैयार होती है। तो इसमें हम थोड़ा पानी और ऐड कर देते हैं। तो हमने लगभग जो है 300 से 350 ml यानी 3.5 गिलास या 3.5 कप आप बोल सकते हैं, इतना पानी ऐड किया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक उबाल आने तक ऐसे ही खुले में पकने देंगे। एक उबाल आ जाने के बाद अब हम इसके जो कुकर की लिड है यानी कुकर का ढक्कन है उसे लगा देंगे और इसे 4 से 5 सीटी आने तक इसको पका लेंगे। यह 4 से 5 सीटी में ही आसानी से गल जाती है। इसकी जगह कोई दूसरी दाल होती तो वह ज़्यादा समय लेती है, लेकिन यह बहुत आसानी से बन जाती है और सबसे टेस्टी बनती है। तो अब 4 से 5 सीटी लगाने तक हमने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। तो ये देखिए, अब 4 से 5 सीटी लगाने के बाद हमारी दाल जो है पककर तैयार हो चुकी है। हम आपको खोलते हुए दिखा रहे थे, देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा इसके अंदर भाप बनी हुई है। तो भाप के निकलने के बाद आपको जो है दाल दिखेगी। तो आप देखेंगे दाल ने जो है सारा पानी सोख लिया है। तो हाँ, आप चाहे तो इसमें थोड़ा और पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए तो आप इस कंसिस्टेंसी पर इसको सर्व कर सकते हैं। तो आप इसे चावल, रोटी, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो यह थी हमारी आज की बहुत ही टेस्टी हेल्दी और इजी रेसिपी, जो बिल्कुल झटपट बनकर तैयार हो जाती है। और इसको बनाने के लिए आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ढाबा स्टाइल दाल की बात करें तो यह उससे भी ज़्यादा खाने में आपको टेस्टी लगेगी, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई हेल्दी रेसिपी वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।